अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की 9.1 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर रोज डेली के थोड़े थोड़े सवाल किया करेंगे। आप डेली के सवाल डेली समझते भी रहा करेंगे और करते भी रहेंगे ताकि कोई बाद में आप पे बोझ ना बने। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज हमारे पास है। 9वें चैप्टर में उसने स्टार्ट किया फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है 9.1 में। उसने हमें डिग्री में वैल्यूज दे दी हैं और कहा कि इसको रेडियन में लिख के दें। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 रेडियन किसके इक्वल है। तो सवाल करने से पहले हम लिख लेते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब बात होती है डिग्री की तो लिखते हैं पाई ओवर 180, जब बात करते हैं रेडियन की तो हम लिखते हैं 180 ओवर पाई। अब आते हैं, पहला सवाल हमारे पास है 30 डिग्री। तो लिखते हैं 30 डिग्री। उसने डिग्री में दे दिया है तो हम किस में लिख के उसे देंगे, रेडियन में। एक बात का ख्याल रखें, अगर वो हमें डिग्री में दे तो हम मल्टीप्लाई डिग्री से करेंगे ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमारे पास जवाब बनेगा उसे रेडियन कहेंगे। तो लिखते हैं 30 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो सिफर 0 से 0 कैंसिल, 3 1 से और साथ में 3 6 से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई ओवर 6 रेडियन। जी जब भी वो हमें डिग्री में देगा तो सबसे पहले हम उस डिग्री को डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से कह लें, इधर हमारे पास ऊपर हिंसे मौजूद हो तो हम इन दो में से ऐसी वैल्यूज को उठाते हैं जिसके हिंसे नीचे मौजूद हो ताकि हिंसे से हिंसे कैंसिल हो जाए, बाकी हमारे पास जवाब आ जाएगा डिग्री में रेडियन में। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 और 150 डिग्री। तो यहां तक सवाल सेम है, पहले की तरह है। तो हम लास्ट वाला सवाल करेंगे 150 डिग्री, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 150 डिग्री सेम उसी तरह से 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो जी 35 से 36 से ये क्या बन जाएगा, 5 पाई ओवर 6 रेडियन। हम भी उसे यही कुछ बताने वाले थे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, उसने फिर से वही कहा कि रेडियन में कन्वर्ट करके दें, लेकिन स्टेटमेंट में उसने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। उसने कहा 10 डिग्री 15 मिनट के। सबसे पहले याद है स्टूडेंट्स, हम उस वक्त तक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक रकम हमारे पास मुकम्मल डिग्री ना हो। उसने रकम दे दी है डिग्री के साथ साथ मिनट में। सबसे पहले हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री से, तो कैंसिल करके बाकी हम जो जवाब लिखेंगे वो रेडियन में होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, 1 डिग्री में सेकंड कितने होते हैं। तो लिखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। जी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, हम उसे बताएंगे कि 3600 होते हैं। सवाल हमारे पास है 10 डिग्री 15 मिनट। तो किस तरह से लिखेंगे 10 डिग्री 15 मिनट, ये हमें पता है कि 10 मुकम्मल डिग्री है, तो हम लिखेंगे 10 डिग्री प्लस 15 ओवर 60 डिग्री। जी 15 मिनट हमारे पास है तो हम मिनट को कन्वर्ट करें डिग्री में, तो 15 ओवर 60। हमने अभी कहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सेम उसी तरह से ये 15 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से। इसको अब सॉल्व करते हैं, 15 1 से, 15 4 से, तो क्या बनेगा 10 डिग्री प्लस 1 ओवर 4। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 4, ये आपस में इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 प्लस 1, तो हमारे पास जवाब क्या आया 41 डिग्री ओवर 4।
जी अब ये हमारे पास मुकम्मल डिग्री में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिग्री से या पाई ओवर 180 से, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास रेडियन में होगा। तो लिखते हैं 41 डिग्री ओवर 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। स्टूडेंट्स बहुत से देखे कि आपस में कैंसिल नहीं हो रहे। अच्छा सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी स्टेटमेंट को किससे कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जिस रकम के लास्ट पे हो 2, 0, 4, 6 और 8 की हमेशा डिवाइड होते हैं 2 से, और जिसके लास्ट पे हो 0 और 5 ये हमेशा डिवाइड होते हैं 5 से, जिसके लास्ट पे 2, 0, 4, 6, 8, 0, 5 ना हो तो वो किस पे डिवाइड होते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं 3, 1, 1 फिर से लिख लेते हैं 1। स्टूडेंट्स गौर से देखें जब इस तरह की कोई आपके पास स्टेटमेंट आ जाए जिसके लास्ट पे 2, 0, 4, 6, 8 मौजूद ना हो तो वो किस पे डिवाइड होगी। इस सारी रकम का सम कर लेते हैं जी 3 + 1 + 1 और + 1 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 6। अगर ये 6 इस रकम का सम 3 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुकम्मल रकम 3 पे डिवाइड हो जाएगी। जी नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा, उसने कहा 35 डिग्री 20 मिनट। तो स्टूडेंट्स ये सवाल आपको से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 35 डिग्री + 20 ओवर 60 हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और जो जवाब हमारे पास बनेगा एलसीएम लेने के बाद उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जो इस पहले सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75 डिग्री 60 मिनट 30 सेकंड। 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड स्टूडेंट सेम उसी तरह से अगर हम मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो डिवाइड करते हैं 60 से। हमने स्टार्ट से कहा कि एक डिग्री में सेकंड्स होते हैं 3600, जब सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो हम डिवाइड करेंगे 3600 से। तो लिखते हैं 75 डिग्री + 6 ओवर 60 + 30 ओवर 3600, ऊपर साइन लगाएंगे डिग्री का क्योंकि अब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 6 1 से 6 10 से 0 से 0 कैंसिल 3 1 से और ये 120 से। तो हम लिखेंगे 75 डिग्री + 1 ओवर 10 + 1 ओवर 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 120 डिग्री 120। तो जी इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 से तो ये हमारे पास बनेगा 9009 प्लस जी 10 को डिवाइड करते हैं 120 पे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो 12 आएगा। 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से तो क्या बनेगा 12 + 1 तो ये हमारे पास बन जाएगा 9013/120 डिग्री। जी अब हमारे पास डिग्री का रकम मौजूद है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। जी स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये रकम ना तो 2 पे डिवाइड हो रही है और ना ही 5 पे, ये 2 और 5 पे डिवाइड हो रही है। अगर हम इसका सम करते हैं तो वो 13 बनेगा, वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए जब कैंसिल ना हो रहे हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 9013 पाई ओवर 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 से। आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से 180 × 120, तो ये हमारे पास जवाब क्या आएगा 21600। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जवाब उस रेडियन में निकाल के दे चुके हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे जब हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 60 से 60 से, जब सेकंड को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो तकसीम करते हैं 3600 से। नेक्स्ट सवाल आपके पास है 120 मिनट 40 सेकंड, तो इस गौर से देखें इसमें उसने डिग्री की बात ही नहीं की, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 120/60 + 40/3600 पे डिग्री लगा लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 154 डिग्री 20 सेकंड, तो मतलब हम सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में तो हम 20 को तकसीम करेंगे 3600 से और दरमियान में साइन कौन सा लगाएंगे प्लस का। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 0 डिग्री, तो स्टूडेंट्स 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है हाँ, उससे 0 ही कर देगा, तो क्या इसका जवाब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आपके पास है, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर सेट करने वाला ये क्वेश्चन दे देता है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सवाल आपके पास है 3 सेकेंड्स, तो हम लिखते हैं 3 सेकेंड्स इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 3/3600 डिग्री। स्टूडेंट्स बात का ख्याल रखना है, जब तक आपके पास स्टेटमेंट डिग्री में ना हो आप उस रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसने हमें दिया किस में, सेकंड्स में, तो हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं सबसे पहले डिग्री में। तो ये 3/1 से 3/2 से 0 वैसे की वैसे, तो ये हमारे पास क्या बना, 1/1200, इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, ये पाई वैसे भी ऐसे, 1200 को आप कैलकुलेटर से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास जवाब आएगा 180। इसका आपके पास जवाब आ जाएगा ओवर 2656000। जी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल इस पहले सवाल की निस्बत आसान है। इस सवाल में उसने क्या कहा कि जी अब हम आपको रेडियन में दे रहे हैं, आपने सवाल को कन्वर्ट करके देना है डिग्री में। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही कहा कि अगर वो डिग्री में दे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री से, ताकि डिग्री से डिग्री कैंसिल हो, बाकी जवाब हम रेडियन में लिख सकें। अब हमें दे रहा है रेडियन में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन से, ताकि रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाए, बाकी जवाब डिग्री में आ जाए। या इस तरह से कह लें, जब हम सवाल को सॉल्व किया डिग्री वाले को, तो हमने कहा कि ऊपर हिंसे हो, तो इधर हम ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके नीचे हिंसे हो। अब हम लिखेंगे रेडियन में, तो हम ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसका पाई नीचे हो, ताकि पाई से हम पाई कैंसिल कर सके। तो इस पहले सवाल को रेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल का पहला पार्ट आपके पास है, पाई ओवर 8 से उसी तरह से पाई ओवर 8 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 180 ओवर पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, 24 से 290 से 22 से और साथ में 245 से, तो इसका हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 45/2 डिग्री। स्टूडेंट्स हम उसको किसमें लिख के देने जा रहे हैं, डिग्री में। अगर हमारे पास जवाब आता है मिनट्स और सेकंड्स तक, तो हम मिनट्स और सेकंड्स तक जाएंगे, आप कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जवाब आएगा डिवाइड बाय 2, जवाब आपके पास आएगा 22.5। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है, जब हम लिख रहे हो डिग्री में, तो जवाब को पॉइंट में नहीं लिखना। अगर हमारे पास कुछ डिग्री के बाद पॉइंट बन रहा है, तो हम उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके देंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर पे एक बटन है जिस पे इस तीन कॉमे लगे हुए हैं, इस तरह से तीन कॉमे लगे हुए हैं। अगर आप पॉइंट के बाद इसका जवाब आएगा 22.5, अगर आप पॉइंट के बाद ये बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा डिग्री और मिनट में, तो इसका जवाब आपके पास होगा 22 डिग्री और 30 मिनट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है π/6, π/4, π/3 और π/2। बिल्कुल सिंपल से सवाल है, हम इसमें से कोई से 2 से 3 पार्ट और करेंगे, क्योंकि ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरह से आसान से है। इसका हम सवाल करते हैं 13, 14 और 15। 13 में उसने क्या कहा, 17π/24, जी 17π/24 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल, 212 से 290 से 26 से 245 से। स्टूडेंट्स हो सकता है कि आपसे कैंसिल करने में गलती हो जाए, तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप डायरेक्ट 17 को 180 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 24 भी कर सकते हैं, तो जवाब सेम आएंगे। तो जी हम कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि स्टूडेंट से कैंसिल करने में गलती हो जाए, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जवाब निकालते हैं। 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई
180 ओवर पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेटर उठाएंगे, सबसे पहले क्या काम करते हैं, 180 मल्टीप्लाई 17, तो इसके जवाब को हम डिवाइड करते हैं 24 से, तो जवाब हमारे पास आएगा 127.5, तो मैंने स्टार्ट में ही कहा कि हम जब जवाब डिग्री में लिखते हैं तो पॉइंट में जवाब नहीं लिखना, तो बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा इसका, 127 डिग्री 30 मिनट। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं समझ आ गई होगी। तो अब हम 9.1 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आप कोशिश किया करें कि सवाल कोई 100 मैथ का, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश किया करें कि उसने कहा क्या है, उसके बाद सवाल को सॉल्व करें। सवाल आपके पास है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, कि जब घड़ी की घड़ी पे 4 बजे का टाइम हो तो उसकी सुइयों के दरमियान एंगल क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि घड़ी में टोटल डिग्री कितने होते हैं, क्योंकि उसने एंगल पूछा मतलब वो डिग्री पूछ रहा है हमसे, तो हमें पता होना चाहिए कि घड़ी में टोटल एंगल कितने होते हैं, साथ में फिर पता होना चाहिए कि घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं। उसके बाद सबसे पहले 1 घंटे का एंगल फाइंड कर लेते हैं, वो जितने का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करके उसे एंगल बता देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल एंगल इन अ क्लॉक इज इक्वल टू 360 डिग्री, सेम इसी तरह से टोटल हावर्स इन अ क्लॉक 12 जी। अब हम निकालेंगे कि 1 घंटे पे एंगल कौन सा बन रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल पर हावर ये बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 12। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास आएगा 30 डिग्री जी। अब आपके पास 1 घंटे पे 1 आवर पे एंगल मौजूद है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो कहता है कि एट 4 o'clock तो आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, अगर वो कहता है नहीं एट 5 o'clock तो आप मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो हम लिखते हैं एंगल एट 4 o'clock, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 30, तो ये हमारे पास बनेगा 120 डिग्री। आप कोशिश करेंगे कि जब भी आप जवाब उसे देंगे तो आप लिखेंगे रेडियन में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 120 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये 0 से 0 कैंसिल, 62 से और साथ में 63 से, ये आपके पास जवाब आ जाएगा 2π/3 रेडियन जी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 में हम एक ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा फाइंड थीटा, कि थीटा फाइंड करके दें। स्टूडेंट्स जब वो कहे कि फाइंड आर मतलब रेडियस, जब वो कहे फाइंड थीटा और फाइंड एल या लेंथ, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें एल हमारे पास है लेंथ, आर हमारे पास है रेडियस और थीटा हमारे पास है एंगल जी। उसने 34 साल में क्या कहा, फाइंड थीटा, उसने दिया जी क्वेश्चन नंबर 4, एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसने वैल्यू पूछी है हमसे थीटा की, तो क्या करते हैं यहां पे राइट हैंड साइड पे आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर क्या होगा, डिवाइड होगा थीटा। तो स्टूडेंट्स आप इसे डिवाइड कब से करेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपके पास जो जवाब आएगा जवाब आप लिखेंगे रेडियन में, क्योंकि हमने पहले कहा कि जवाब को रेडियन में देते हैं। तो इस सवाल में जो थीटा पहले से मौजूद था इसका मतलब यही हुआ कि वो रेडियन में होगा। इसका दूसरा पार्ट आपके पास है एल इज इक्वल टू 3.2 मीटर, आर इज इक्वल टू 2 मीटर, तो स्टूडेंट सेम उसी तरह से लेंथ की जगह पे आप लिखेंगे 3.2 मीटर और आर की जगह पे आप लिखेंगे 2 मीटर, तो डिवाइड करके आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल आपके पास है फाइंड लेंथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, आर इज इक्वल टू 6 सम। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है, जब तक हम वो थीटा रेडियन में ना दे उस वक्त तक हम सवाल को सॉल्व ही नहीं कर सकते।
अगर वो डिग्री या मिनट में दे रहा है तो सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उसने थीटा इज इक्वल टू रेडियन कहा, तो जी पाई की आपके पास वैल्यू है 22/7, आर उसने बता दिया, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले से आप लेंथ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में कई दफा आ चुका है, तो आप कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्या कहा, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, आर इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम थीटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। जी लिखते हैं जी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम उस वक्त तक रेडियन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते जब तक वैल्यू हमारे पास डिग्री में ना हो। तो पहले मिनट को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेडियन में लिख के उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। प्लस 20/60 डिग्री, तो ये 1 से और ये साथ में 3 से 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम भी आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1/3 करके इसका जवाब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जवाब इसका डायरेक्ट लिखते हैं। 1/3 आप करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास जवाब आएगा 0.333 डिग्री। तो ये बन जाएगा 65 डिग्री, 65.333 डिग्री। जी आप इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स रेडियन में, तो हमने कहा कि जब डिग्री में मौजूद हो उसको रेडियन में लिखने के लिए हम उसे डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि डिग्री से डिग्री मल्टी कैंसिल हो जाए, बाकी जवाब आएगा रेडियन में आएगा। तो क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.1428 डिवाइडेड बाय 180, जो जवाब आएगा वो हमारे पास होगा रेडियन में। तो जी इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 65.33 मल्टीप्लाई 3.1428, तो ये हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 205.33 डिवाइडेड बाय 180। जब हम डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 1.1407 जी रेडियन। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करके ले लिया, उसे उसने हमें थीटा भी बता दिया, साथ में आर भी बता दिया, तो हम क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। जी थीटा और आर दोनों बता दिए, तो लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, आर हमारे पास है 18 और थीटा हमारे पास है 1.407, इसको कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 20.53। जी स्टूडेंट्स उसने ना क्वेश्चन में आर इक्वल टू 18 मिलीमीटर कहा है, तो हम लेंथ को किसमें लिखेंगे, मिलीमीटर में। एक बात का ख्याल रखना है, उस वक्त तक हम लेंथ फाइंड नहीं कर सकते जब तक थीटा हमारे पास रेडियन में ना हो। अगर वो पहले डिग्री या मिनट में दे दे, तो अगर मिनट में दे तो उसे पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, डिग्री से उसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो जो जिस तरह से हमने सवाल में सॉल्व किया, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में, आर फाइंड करके देना है हमने, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहां पे थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम उसे क्या बताने जा रहे होंगे, रेडियस उसका बताने जा रहे होंगे। जी उसने लिखा इसके पहले पार्ट में एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1.2 रेडियन। तो स्टूडेंट्स उसने थीटा बताया रेडियन में दिया है, आप सिर्फ वैल्यूज को फार्मूले में पुट करेंगे। दूसरा पार्ट आपके पास है लेंथ इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ये हमारे पास जवाब आएगा, दोनों की वैल्यूज को उठा के इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आज के हम आपके दो सवाल करेंगे, 7वां और क्वेश्चन नंबर 8। 7वां सवाल में उसने कहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन इंटरसेप्टेड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस
14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडियस हम आपको बता रहे हैं बाय द आर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। उसने क्या लिखा है आर इक्वल टू 14, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने उसकी उसे लेंथ बतानी है। सबसे पहले थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, सिंपल उसी तरह से वैल्यूज फार्मूले में पुट करेंगे। आज का हम आखिरी सवाल करेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब कि हम आर फाइंड करके देंगे उससे, इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर इन वन रेडियन। जी उसने बताया रेडियन में दिया थीटा और साथ में आर हम उसे बताने जा रहे हैं। उसने कहा कट ऑफ आर का लेंथ 35 सेंटीमीटर, तो लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है और थीटा उसने दिया रेडियन में। वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर लेते हैं, ये बात खुद बखुद आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको सभी सवालों की समझ आ गई होगी। अगर आपसे कोई सवाल हल करते हुए हल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 9.1 के जो सवाल बाकी है वो करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे 9.2 को। स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि डेली के थोड़े थोड़े सवाल दिया करेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा से ज्यादा दिन भी लगे तो 20 से 25 दिन राउंड अबाउट में इसे हम खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इसके पहले चैप्टर को हम पहले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे साथ साथ सवाल करते रहेंगे ताकि बाद में एकदम से बोझ ना बने। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।